हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रहा है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, जो कि सीईटी, जो दो साल पहले से इसमें चर्चा हो रहा था, तो उसके बारे में आज जो है कैबिनेट में जो सीईटी का जो आपका प्रपोजल था वो आज अप्रूव हो चुका है। अब बस पार्लियामेंट में आपका जो है पास होने से आपका पूरा चीज़ जो है सफल हो जाएगा। तो सीईटी क्या है उसके बारे में पूरा आज इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ सीईटी। तो सीईटी का फुल फॉर्म है आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आपका एक ही एग्ज़ाम होगा आपका सब एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो गया, चाहे वो आरआरबी हो गया, चाहे वो बैंक हो गया, सबके लिए एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा वो टायर ऑन के लिए। जो जैसे आपका फर्स्ट एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल में जैसे फर्स्ट टायर होता था अभी या होता है अभी, तो उस चीज़ को हटा के जो हो गया आपका एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा आपको, और उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो टायर टू के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप साल में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू आप देख सकते हैं, साल में कितनी बार आपको सीईटी आप दे सकते हैं। तो साल में आप जो है दो बार दे सकते हैं, दो चांस आपको मिलेगा एक साल में इस एग्ज़ाम को देने के लिए। आपको जैसे टायर वन होता है सेम चीज़ वैसे ही होगा, यहाँ पर आपको टोटल स्टूडेंट जो है इसमें एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद एक कट ऑफ रखा जाएगा, वो अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा जिसका वैलिडिटी आपका, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थ्री में देख सकते हैं कि वैलिडिटी कितना है, जिसको वैलिडिटी आपका तीन साल रहेगा, थ्री ईयर्स। तीन साल के अंदर जो भी वैकेंसी आएगा, चाहे वो एसएससी से हो या आईबीपीएस हो गया या आरआरबी हो गया, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्टली जो है टायर टू, जैसे एसएससी सीजीएल में आपका टायर टू होता है मैथ और इंग्लिश में, आपको देना पड़ता है मैथ और इंग्लिश के लिए, एसएससी सीएचएसएल में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो डायरेक्ट जो है आप टायर टू मतलब सीएचएसएल में डिस्क्रिप्टिव पेपर और सीजीएल में आप मेंस पेपर जो है आप दे पाएंगे यहाँ पर। तो टायर वन इसके लिए नहीं होगा, और इसके लिए भी आपका एक कट ऑफ रखा जाएगा, जैसे सीजीएल के लिए टायर टू के लिए एक कट ऑफ फिक्स किया जाएगा, उसके ऊपर अगर आपका जो है स्कोर कार्ड का मार्क्स आ रहा है तो ही आपको जो है टायर टू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ भी जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फोर जो है, यहाँ पर डाउट आ रहा था कि क्या एसएससी आरआरबी और आईबीपीएस ख़त्म हो रहा है या नहीं। तो एसएससी आरआरबी और आईबीपीएस जो भी है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, वो जैसा कि वैसा ही रहेगा, बस आपका जो है टायर ऑन के लिए आपका सब तीनों संस्था की आपका एग्ज़ाम टायर ऑन के लिए सेम होगा, एक ही होगा, कॉमन होगा। टायर टू टायर थ्री जो भी होता था जैसे पहले होता था सेम चीज़ वैसे ही रहेगा, केवल आपका टायर ऑन आपका जो है एक ही हो, एक ही साथ एक ही एग्ज़ाम होगा। जो आपका एग्ज़ाम जो आप कंडक्ट कराएगा उसका, उस एजेंसी का नाम रखा गया है आपका NRA, मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है आपका अब एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। इसके लिए और पूछा गया है कि एज लिमिट क्या है, एज लिमिट क्या रहेगा। तो एज लिमिट जो आपका पहले होता था, जैसे UR के लिए आपका अगर CHSL हो गया तो 27 ईयर या CGL हो गया 30 ईयर, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी रहेगा आपका, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रिलैक्सेशन वगैरह जो भी रहता था यहाँ पर भी सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं लाया जा रहा है। एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपका टायर वन के लिए आरआरबी का अलग होता था, एसएससी का अलग होता था, बैंक की अलग होता था, एमसीक्यू आपका क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन आपका सिलेबस जो है थोड़ा बहुत अलग होता था। तो अभी जो है उसके सिलेबस वगैरह तो अभी कुछ दिया नहीं गया है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन हाँ ऐसा होगा कि आपका जो है तीनों चीज़ को देखते एक आपका सिलेबस रखा जाएगा, उसके ऊपर से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक डाउट है जो स्टूडेंट में डाउट मुझे पूछा था कि क्या सर आपका जो है एक ही एग्ज़ाम होगा ग्रेजुएशन 12th और 10th लेवल के लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन में कह रहा हूँ कि आपका जो है अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग होगा। जैसे आपका अगर 12th लेवल है तो आपका अलग एग्ज़ाम होगा, ग्रेजुएशन है तो आपका अलग एग्ज़ाम होगा, ये मेरा ओपिनियन है। अभी देखिए इसके बारे में तो पूरा पता चलेगा जब आपका पूरा डिटेल्स जो आएगा 2021 में, जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है या एक्सप्लेनेशन किया है कि इस चीज़ को सोचा गया है इसलिए क्योंकि जो है रूरल कैंडिडेट जो गाँव से बिलोंग्स करते हैं, आपका फिजिकल हैंडीकैप हो गया या वुमेन कैंडिडेट हो गया जिसको सेंटर से आने जाने में प्रॉब्लम होता है, उन लोगों को
उन लोगों के बारे में सोचते हुए ये सब चीज़ सोचा गया है CET वगैरह। जैसे आप जो है एक स्टूडेंट जो है एक ही एग्ज़ाम के लिए पहले प्रिपरेशन कर रहे थे, चाहे वो SSC हो गया RRB हो गया, लेकिन अब जो है आपके लिए आपका बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। 3 साल तक अगर एक बार आप क्वालिफाई करेंगे तो 3 साल तक आपको जो है आपको एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा। तो जो भी एग्ज़ाम आएगा, चाहे RRB हो गया या SSC हो गया, सबके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो इसके बारे में जो है स्टूडेंट जो है पहले क्या होता था कि एक एग्ज़ाम के लिए सोचता था, तो एक ही एग्ज़ाम देने के लिए जाता था, ज़्यादातर एग्ज़ाम फॉर्म फिल करता था, लेकिन उसके प्रिपरेशन अच्छा नहीं होता, इसीलिए वो सेकेंड मतलब दूसरे एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाता था, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर अगर दूर होगा तो आपको आने जाने में प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए वो लोग भी नहीं जाता। इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने कहा कि ये सब सोच के जो है आपका अभी 117 डिस्ट्रिक्ट में आपको हर डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर रखा गया है। आपको टोटल 117 डिस्ट्रिक्ट में अभी हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक करके सेंटर होगा जहां पर आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। उससे आपका क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर और आपका घर की जो दूरी है वो आपका कम होगा। जैसे मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, जैसे मेरे घर से मेरा एग्ज़ाम सेंटर का आपका डिस्टेंस है लगभग 250 किलोमीटर। तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि 250 किलोमीटर आने जाने में कितना प्रॉब्लम हो सकता है। ऊपर से आपको एक दिन पहले जाना पड़ता है एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचने के लिए, तो होटल वगैरह का खर्चा वगैरह भी होता है। तो अगर आपको साल में 2-3 एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपको इतने में कितना एक्सपेंसिव हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए, आप सोच सकते हैं। और ऊपर से आपका जो होता है, एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, ऊपर से आपका जर्नी वगैरह जो होता है उसके लिए भी आपका प्रॉब्लम होता है एग्ज़ाम देने में। तो ये सब चीज़ सोचते हुए गवर्नमेंट ने आपका हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक करके एग्ज़ाम जो है आपका कराएगा। और आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि क्या आपका 2020 का SSC CGL SSC CHSL या CPO RRB NTPC ग्रुप डी हो गया, क्या ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो भाई आपका 2020 का जिसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है या आने वाला है 2020 का, तो उनका आपका जैसे चल रहा है वैसे ही होगा, आपका एग्ज़ाम जैसे जो पैटर्न है सेम प्रोसेस से ही होगा। तो उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। 2021 का जो वैकेंसी जाएगा उसमें आपका बदलाव लाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि एग्ज़ाम का जो है लैंग्वेज, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज जो क्या रहेगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि आपका टोटल 12 रीजनल लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को हिंदी या इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है तो वो अपना रीजनल लैंग्वेज में दे पाएंगे। तो अभी तो नहीं कहा गया कि कौन कौन आपका लैंग्वेज है, लेकिन उसका अगर इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। तो अभी 12 लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज रखा गया है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि आप खुद के लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। और यहाँ पर कुछ डाटा जो है गवर्नमेंट ने खुद से दिया है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि हर साल जो है गवर्नमेंट जो है ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए आपका टोटल 50+ आपका जो है लैंग्वेज सॉरी टोटल 50+ आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है अलग अलग डिपार्टमेंट में। और आपका जो है टोटल वैकेंसी जो ग्रुप सी एंड डी में आता है लगभग 2.5 लाख प्लस आपका वैकेंसी आता है, और इसके लिए आपका जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग होता है 2.5 करोड़। आप यहाँ पर एक डाटा जो है गवर्नमेंट में खुद दिया है, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। तो ए ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए गया है। ग्रुप ए का जो जैसे UPSC वगैरह का सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं लाया जा रहा है। ग्रुप बी ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए बदलाव लाया जा रहा है। अभी तो सिर्फ आपका SSC और RRB और IBPS को आपका एक साथ एग्ज़ाम लिया जाएगा, बाकी आगे अगर इसमें सक्सेस मिलेगा तो गवर्नमेंट आगे के बारे में भी सोच रहा है। और अब आते हैं आपका जो है लास्ट जो है माय ओपिनियन, मेरा ओपिनियन क्या है, ये अच्छा है गलत है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ऑनेस्टली मैं कहना चाहता हूँ इससे जो है आपका जो है मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मुझे कुछ चीज़ जो है अच्छा लगा। जैसे मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट में अगर सेंटर होगा तो आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें भी बहुत आपका आसानी होगा। दूसरी जो पॉइंट है, कुछ स्टूडेंट के लिए आसानी हो सकता है कि अगर आपने एक साल एक बार आपने अगर जो है CET क्वालिफाई कर लिया तो 3 साल तक आपका जो है आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो सकते हैं। लेकिन इससे कुछ स्टूडेंट के प्रॉब्लम भी होगा जो थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट है, जिन लोगों को RRB में बहुत ऑप्शन था, ग्रुप डी में वगैरह में ऑप्शन था, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि देखिए SSC में जो लोग जाते हैं ज़्यादातर थोड़ा सा प्रिपरेशन करके ही जाते हैं, तो SSC में कॉम्पिटिशन भी आप देख सकते हैं।
तो एसएससी का जो स्टूडेंट है वो लोग जब उन लोगों के लिए देखिए, एक तो एसएससी में ऑप्शन रहेगा, ऊपर से आरआरबी में ऑप्शन रहेगा, ऊपर से आपका जो है आईबीपीएस में भी ऑप्शन रहेगा, तो तीनों में ऑप्शन रहेगा। तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जो एवरेज स्टूडेंट है उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है मेरे हिसाब से। ऊपर से आपका जो है देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है, मैंने जैसे खुद मैं लिए कहता हूँ, एक साल दो साल बाद जो है ज़्यादातर स्टूडेंट एसएससी में हो गया, आरआरबी में हो गया, जॉब जो है आपका रिजाइन दे देता है, जैसे मैंने खुद दिया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक जो वैकेंसी जो है आप जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो इसके कारण जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा वो देखिए एक जॉब मिल जाएगा, उसके बाद जो है दूसरे जॉब के लिए दौड़ेगा कि हाँ तीन साल तो वैलिडिटी है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को एक बॉन्डिंग वगैरह भी लाना चाहिए, बॉन्ड लाना चाहिए कि अगर आप एक जॉब में अगर एंट्री ले लेते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो इनवैलिड हो जाएगा, उसके बाद फिर से आपको सीएटी देना पड़ेगा, तभी आप दूसरे एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। तो ऐसा कुछ सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आते हैं सबसे बड़ी पॉइंट जो आपको सुनना या जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए एक डाटा उन्होंने कहा है कि सीईटी का मेन जो आपका मोटो है, आपका मेन जो उद्देश्य है आपका, या आपका मेन आपका जो कह सकते हैं कि उसका जो सोचना है उन लोगों का, तो वो लोग चाहते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस हो गया है, रिजल्ट प्रोसेस है, उनको जो है डिक्रीज किया जाए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो सके, इनके बारे में सोचा गया है। लेकिन मुझे लगता है ये गलत चीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद डाटा दिया है यहाँ पर, जो 2.5 करोड़ स्टूडेंट है वो लोग अपियर होते हैं ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए, ग्रुप बी को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो मैं सिर्फ ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए बात कर रहा हूँ, या ग्रुप बी के लिए बात कर रहा हूँ। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का जहाँ तक मुझे पता है 30 लाख प्लस, या सीएचएसएल में तो लगभग 40 लाख प्लस आपका स्टूडेंट जो है अपियर होता है एग्जाम के लिए। तो उनका टायर ऑन एसएससी सीजीएल हो गया या सीएचएसएल हो गया, टायर ऑन का रिजल्ट आने में लगभग आपका 3 से 4 महीना लग जाता है, सिर्फ जो है आपका 30 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट आने में। तो 30 लाख तो आपका जो है 30 लाख स्टूडेंट जो है वो तो सब लोग तो अफेयर नहीं होता है, वो जो है सब लोग एग्जाम अटेम्प्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ कि हाँ 20 लाख या 30 लाख जो भी हो गया वो लोग जो है एग्जाम देता है। तो उनका रिजल्ट आने में 3 से 4 महीना लग जाता है। तो आप सोचिए, गवर्नमेंट ने खुद यहाँ पर कहा है कि 2.5 करोड़ स्टूडेंट जो है आपका टोटल एग्जाम देता है ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए। तो अगर आपका NRA जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी हो गया, वो अगर आपका एग्ज़ाम लेगा, तो 2.5 करोड़ स्टूडेंट का आपका रिजल्ट आने में कितना टाइम लगेगा, आप इस डाटा से आपको पता चलेगा। तो इससे लग रहा है, मुझे लगता है गवर्नमेंट जो सोच रहे हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता है। सेकेंड चीज़ जो है, हम लोगों को सीएटी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही बात रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है एग्ज़ाम प्रोसेस में सुधार लाइए, एक साल के अंदर जो है आप एग्ज़ाम से लेके आपका ज्वाइनिंग तक कराइए, क्योंकि इतना देर तक स्टूडेंट को वेट करवाना ठीक नहीं है, स्टूडेंट के साथ बहुत गलत हो रहा है। एक तो 22-23 साल में आपका जो है 22 या 23 साल में आपका जो है स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, ऊपर से 2 साल आपका प्रिपरेशन में लग जाता है गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में, 25 साल बाद आपका एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपको 1-2 साल तो आपका रिजल्ट आने में लग जाता है, पूरा प्रोसेसिंग में लग जाता है। जैसे मेरा टाइम में कह रहा हूँ, 2017 में मैंने एग्ज़ाम दिया था और 2018 में उसका रिजल्ट आया था आपका फरवरी में, और लगभग आपका मुझे ज्वाइनिंग मिला था आपका सितंबर में, तो लगभग आपका जो है 8-9 महीना आपका जो है आपका ज्वाइनिंग में लग जाता है। तो ये क्यों लगता है मुझे आज तक नहीं पता चला है, क्योंकि 1-2 महीने का जहाँ तक काम होता है तो आप 8-9 महीना लगा देते हैं। तो ये सब चीज़ में आपको बदलाव लाना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट में मेरा ओपिनियन में कहूँगा कि आप वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ करिए। आपने खुद यहाँ पर डाटा दिया, जो 2.5 करोड़ स्टूडेंट जो है ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए एलिजिबल मतलब अपेयर होते हैं, और जॉब वैकेंसी जो है आपका ओनली 1.25 लाख, जो कि 0.5% की बराबर स्टूडेंट को जो है जॉब मिलता है। तो इससे पता चल रहा है कि कितना बेरोजगारी है इंडिया में आपका। यहाँ से डाटा से हम लोगों को मालूम चल रहा है कि बहुत कंडीशन ख़राब है। तो इस चीज़ में भी आप सुधार लाइए, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं कि रूरल स्टूडेंट तभी बढ़ेगा, कि गांव की स्टूडेंट तभी आपका जो है डेवलपमेंट करेगा जब उन लोगों को जॉब मिलेगा। जॉब ना मिलेगा तो कैसे आपको वो प्रिपरेशन करेगा, क्योंकि 1-2 साल तो प्रिपरेशन कर लेते हैं ठीक है, लेकिन जब फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे उन लोगों का,
तो तब वो लोग जो है या तो बिजनेस में चले जाते हैं, नहीं तो कोई काम वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस चीज़ में आप बदलाव लाइए, ना ही CAT वगैरह चाहिए हम लोगों को। लास्ट पॉइंट एक ही कहूँगा कि जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं 2020 का CHSL CGL या NTPC RRB ग्रुप डी का जो भी हो गया, तो आप लोग जी जान से प्रिपरेशन कीजिए, आपका एग्ज़ाम होने वाला है और इसी साल आप लोग जो है जॉब ले लीजिए, क्योंकि 2021 का कोई भरोसा नहीं क्या नोटिफिकेशन आने वाला है, क्या क्या चीज़ होगा। एक तो कोरोना का केस हो गया जिससे फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब हो गया इंडिया का, ऊपर से वैकेंसी जो है वो भी डिक्रीज़ होगा। और आपका जो है देखिए, जैसे आप लोग जो टाइपिंग वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी मैं कहूँगा आप लोग जी जान से टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए, या SSC CGL के लिए जो आपका मेंस के लिए वेट कर रहे हैं वो लोग भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका टाइम पे एग्ज़ाम होगा। आपको 2020 में आपको जॉब लेना है, आप लोग सोच लीजिए कि इसी साल हम लोग को जॉब लेना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा आगे में। तो चलिए वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे भी। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।